वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और सुबह सुबह अपने कामों के साथ आज के दिन का शुरुआत करती हूँ। बट सही में एवरीडे एक ही काम करना पड़ता है, लेकिन बिलीव मी, जब जिस दिन थोड़ा सा अलग कुछ करना पड़ता है या नहीं करती हूँ ना, तो एकदम अच्छा नहीं लगता है। अपने कामों से अपने दिन की शुरुआत करना भी एक अलग सी एनर्जी देती है हम सबको। और ये जो मेरा लॉन्ड्री बैग है ना, इसके एकदम नीचे का जो पोर्शन है उस पर मैं क्या करती हूँ, जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना क्लीनिंग के लिए, जो पुराने कपड़े हैं वो सब मैं रखती हूँ, ताकि जब भी मैं किचन क्लीन या कोई भी चीज़ें को क्लीन करती हूँ तो वो कपड़ा ना रीयूज़ नहीं करती, वो थोड़ा सा चिपचिपा ऑयली हो जाता है तो उसको मैं फेंक देती हूँ। तो पुराने कपड़े जो है ना, सारा कुछ मैं इस टाइप का नीचे रख देती हूँ। जैसे कृति के जो टी शर्ट वगैरह है, उससे बहुत अच्छा क्लीन होता है। और एक पेपर देके इसको अलग कर देती हूँ, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे मैं एज अ लॉन्ड्री इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बास्केट अगर भर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। इस तरह से मैं अपनी लॉन्ड्री बैग को यूज़ करती हूँ। और कल मैंने बेडरूम का जो बेड का प्रोटेक्टर है, मैट वगैरह सारा कुछ मैंने क्लीन किया था, तो वो सब अभी आज तो ये प्रोटेक्टर और कर्टन वगैरह ड्राई हो गया है, बट जो मैट वगैरह है वो थोड़ा सा अभी गीला है। और जो मैट्रेस है उसको मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगी पहले, और उसके बाद इसके ऊपर प्रोटेक्टर बिछा दूँगी, क्योंकि ये मैट्रेस जो है ना ऊपर बहुत गंदा होता है, तो इसके लिए प्रोटेक्टर डाल के रखती हूँ। तो जब भी मुझे क्लीन करना होता है ये प्रोटेक्टर मैं क्लीन करती हूँ, तो ये इतना गंदा नहीं होता है मेरा मैट्रेस। ये जो प्रोटेक्टर है, कर्टन है, सारा कुछ मैं वॉशिंग मशीन पे ही क्लीन करती हूँ, बट इसके लिए मैं एकदम ही ठंडा पानी यूज़ करती हूँ, कोल्ड वाटर। इसको थोड़ा सा भी गर्म पानी से मैं अगर करूँगी तो ये एकदम से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कर्टन का ब्लू कर्टन का जो पीछे का वाइट वाला हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ, एकदम से ठंडा पानी में वॉशिंग मशीन पर क्लीन करती हूँ। अभी हम लोग जाएंगे मॉल, और हम लोग वही पुराने गेटअप पे हैं। आतनु भी, कृति भी और मैं भी। सेम तो रिकअप हो रहा है, रिकअप हो रहा है ना, कंटिन्यू करना है। आधा अधूरा रह गया था तो उसलिए उसको कंटिन्यू रखना है। हाँ, क्या बोलना चाहती है कृति? तब मेरे हेयर टाइट करा था, अभी मैं खोल के जा रही हूँ। हेयर खोल के जा रही है, वो एक डिफरेंट है, वो अपना डिफरेंट उसने बता दिया है। तो चलिए मैं भी चलती हूँ। हाँ, बैक टू नियमी। और बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ होम सेंटर। एक्चुअली होम सेंटर का जो कलेक्शन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुत फेवरेट है। और इस मेरे घर पे आपको बहुत सारे सामान होम सेंटर का मिल जाएगा। और बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा स्टॉक है कैसा नहीं, और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं खुद आ रही हूँ यहाँ पे 8 or 9 months के बाद, और एक्चुअली पर्टिकुलर मैं कुछ सामान ही लेने आई हूँ, जैसे कि मैं बेडशीट वगैरह लेने आई हूँ, तो वही मैं देखूँगी। और बेडशीट क्या है ना, थोड़ा सा अगर देख के लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वही देख रही हूँ। और मेरे बेडरूम के हिसाब से और कृति के बेडरूम के हिसाब से भी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो वही मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे स्टॉक जो है ना धीरे धीरे आ रहा है, और शॉप जो है बहुत ही अच्छी तरह से अभी वो लोग ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जो है अभी आना स्टार्ट होगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है। और इतने दिनों से तो कोई मतलब शॉप में आके शॉपिंग करना ये सब नहीं हो रहा था, धीरे धीरे सारा कुछ अभी स्टार्ट हो रहा है।
और अभी हम लोग आए हैं हमारे घर के पास जो मार्ट है उसमें आए हैं, रॉयल मार्ट। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी, तो वही लेंगे। थोड़ा सा वेजिटेबल का भी शॉपिंग करेंगे। तो गर्मा गर्म चाय आ गया है। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्नी के बाद एक ये चाय तो बनता है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये रहा अतनु। गुड मॉर्निंग। और अभी कृति सो रही है कुछ देर के बाद, मतलब अभी टाइम है उसकी स्कूल स्टार्ट होने पे। और कल ना एक्चुअली मैं वहाँ से आने के बाद एकदम से सो गई थी। जस्ट मैंने किसी तरह से एक थोड़ा आलू फ्राई किया और रोटी बनाई। आलू फ्राई और रोटी, यही था कल का हमारा डिनर। और उसके बाद मैं सो गई क्योंकि इतना ज़्यादा हेडेक स्टार्ट हो गया था ना। बस चाय पी, मुझे लगा था कि चाय पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, बट बिल्कुल नहीं। उसके बाद से जैसे मतलब अजीब सा लगता है मुझे। हेडेक बहुत ही नॉर्मल बात है, बट जिसको होता है वही समझ सकता है कि प्रॉब्लम क्या होती है हेडेक के साथ। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कल एक्चुअली हम लोग मॉल क्यों गए थे और क्या क्या मैंने लिया है। और अभी धूप आ गया है। धूप आने के बाद भी अच्छा लगता है मुझे। अतनु को बिल्कुल पसंद नहीं, वो बोलता है कर्टन्स लगाओ ये वो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। किचन का डोर तो मैं ऐसे ही खोल के रख देती हूँ। अभी मेरे सारे बैल्कनी का डोर आपको खुला हुआ देखेगा। तो ये कुछ शॉपिंग एक्चुअली हम लोगों ने किया है। थ्री बैग्स है, इसमें से एक बैग तो वेजिटेबल का है जो ग्रॉसरी के लिए हम लोग रॉयल गए थे, तो वहाँ से हम लोग लेके आए। और इस पे कुछ सामान है। तो ग्रॉसरी आप लोगों के साथ क्या शेयर करना वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी जब मैं इसको क्लीन करूँगी उस टाइम पे। और ये दो मैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिया। एक्चुअली हम लोग होम सेंटर गए थे। चलिए ओके। तो मैं अभी लेके आ गई हूँ। एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। होम सेंटर हम लोगों को काफ़ी दिनों से जाना था। ऑनलाइन पे भी होम सेंटर की चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन पे हम लोगों ने कभी मंगवाया नहीं है। मुझे एक्चुअली बेडशीट लेना था और एक पिलो लेना था, तो ये मैंने लिया है एक पिलो। ये तो ये मैंने एक पिलो लिया है। सो चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। और इसके साथ जो कवर मिलते हैं ना, ये मेरे बहुत काम के होते हैं। तो ये रहा पिलो। ये इसका प्राइस 1000 रुपीज है। आज मेरे पास मैंने दो पिलो लिया था होम सेंटर से। तो वो जो दो पिलो था वो बहुत अच्छा था। वो अतनु का बहुत फेवरेट है। और थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, जिसको हाइट ज़्यादा वाला पिलो पसंद है वो उसके लिए ठीक ठाक है। क्योंकि अतनु के जो कंधा है ना उसके हिसाब से वो पिलो एकदम परफेक्ट है उसके लिए। और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो मैं डिकोर के लिए उसको रखती हूँ, बट जब मैं रात को यूज़ करती हूँ तो मैं थोड़ा पतला वाला पिलो लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ठीक ठाक है। और ये मैंने एक पिलो लिया है कृति के बेड के लिए। एक्चुअली कृति को एक साइड पिलो चाहिए, तो साइड पिलो के हिसाब से मैंने इसको लिया है। इसको हम डिकोर भी कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली मैं बेड के ऊपर रखूंगी तभी भी ये अच्छा लगेगा। और साइड पिलो मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि वो दिखने में ना उसको अलग सा लुक आता है, तो वो उसका लुक अलग से क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं अभी उसका लुक क्रिएट करना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने इस टाइप का एक पिलो लिया है एज अ साइड पिलो। कृति इसको यूज करेगी। और एक्चुअली मेन रीजन जो है हम लोगों का जाने का मॉल, तो उसका कारण ये है कि कृति के लिए मैंने कुछ इनरवेयर लिया था जो एक्चुअली ये मैंने लाइफस्टाइल से लिया था। तो क्या था कि बाहर पैकेट में तो लिखा था उसके एज का है, बट जब हमने उसका ओपन किया है तब वो 3 to 4 years का है।
तो वो तो उसका नहीं होगा। हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे ना उस टाइम में लिया था और इसको एक्सचेंज करना था, तो ये मेन कारण ये था। और जब मैंने सोचा कि चलो आए हैं तो होम सेंटर भी घूम के जाते, तो इसीलिए इसको एक्सचेंज करने के लिए हम लोग कल गए थे। तो यही है मेन कारण हमारे जाने का। और लगा कि चलो आए हैं तो चेक कर ही लेते हैं, बट अतनु का या कृति का दूसरा कोई शॉपिंग हमने नहीं किया है, अभी देखते हैं कब होता है। और मैंने जो दो चीज लिया है वो है ये दो मैंने बेडशीट लिया है। ये मैंने अपने मास्टर बेडरूम के लिए लिया है, ये कृति के बेड के लिए लिया है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। आप सबको तो पता है कि मेरा बेडरूम का जो थीम है वो ब्लू कलर में है, तो ये मैंने एक ब्लू कलर का बेडशीट लिया है। इसका कलर एक ही है लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा है। और इसका प्राइस 2000 लिया है। लेकिन इस टाइप का मैंने बहुत सारे बेडशीट यूज़ किए हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो इसको ओपन करने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम एक ही कलर में है, इसका कोई प्रिंट नहीं है। तो ये दो पिलो कवर है इसके साथ, ये वाला और ये वाला, ये दो। और इसके साथ ये इसका प्रिंट एक्चुअली पूरा ही ऐसा ही है, ये पूरा ही ऐसा। इसको मैं ओपन कर देता हूं। एक्चुअली बच्चों को ना ये बटरफ्लाई, बीज, रेनबोज ये सब बहुत पसंद आता है। और इसके साथ बहुत सारे कलर्स थे, बॉयज के लिए भी अलग कलर था, ब्लू में था, पिंक में था, ग्रीन में भी था। अगर बच्चे के रूम पे कोई ग्रीन थीम रखना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा कलर। तो ये सब था, तो ये दो कारण के लिए मैंने होम सेंटर मैं होम सेंटर गई थी। तो दो मतलब बेडशीट लेने के लिए, क्योंकि बेडशीट क्या होता है ना, आप अगर थोड़ा सा देख के लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी कृति सो रही है, नहीं तो आ जाती लाइक शेयर और सब्सक्राइब बोलने के लिए। तो चलिए आज का ये ब्लॉग मैं ये एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये छोटे मोटे घर के चेंजेस तो होते ही रहेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे ब्लॉग में शेयर करूंगी कि किस तरह से पूजा के लिए मैं अपने घर को चेंज कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।